फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर हेक्सापोर्स में हेमी मेटाबोलिस मेटामोरफोसिस को हम आज के मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे कुछ जोलॉजिस्ट जो हैं यूजुअली जब वो इंसेक्ट्स को क्लासीफाई करते हैं तो क्लासिफिकेशन के दौरान दे हैव यूजुअली सम एडिशनल पॉइंट्स जो उनकी क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं इसके अंदर हम क्या देखेंगे जो इंसेक्ट्स के अंदर ग्रेजुअल चेंजेस जिनकी अभी तक हमने बात की जो एग से लेके इमेर तक और इमेच्योर से लेके अडल्ट तक आएंगी नॉर्मली इसमें कुछ फीचर्स एबसेंट होंगे और कुछ फीचर्स जो है वो प्रेजेंट होंगे इसमें एक्सीलेंट एग्जाम्पल जो है वो है ऑर्डर एमीमेटोफोरा e. में ड्रैगन जो कि ऑर्डर ऑर्डोनेट से बिलोंग करेंगे इसके अंदर गिल्स की प्रेजेंस जो है दैट इज द फीचर ट बिटवीन इमेच्योर एंड दम कहेंगे हेमी मेटाबोल ग्रीक वर्ड हेमी का मतलब है हाफ मेटामोरफोसिस यानी इसके अंदर हाफ चेंजेस आएंगे और इसमें अडल्ट स्टेज और जो इसका इमेच्योर है दे आर ऑल्सो हैविंग दे आर डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ इसमें इमेच्योर एक है और अडल्ट जो है वो टेरेस्ट्रियल होगा अब इसमें जो इमेच्योर अक्वेटिक लाइफ में रहेंगे उन इमेच्योर्स के हम लव यूज करेंगे वो है नेटर मतलब अब वो इनसेक्ट्स जिनके अंदर हैमी मेटाबोलिस मेटामोसिस होगी इसमें कुछ जो एग्स नेक्स्ट स्टेज आएगी कुछ एंटोमोलोजिस्ट ने उनको लार्वे का नाम दिया है दे आर यूजली सिमिलर इन शेप टू दैट ऑफ दी अडल्ट दे ऑल्सो गो थ्रू सेवरल स्टेज अब इस स्टेज पे उनको हम कहेंगे फाइनल होगा उसके अंदर फाइनल मेटमॉरफोसिस होगा फाइनल मोल्टिंग मौल्टि, होगी और अडल्ट की फॉर्मेशन होगी सो so, इस तरह की जो uh, मेटम और फोसिस है इसको हम सिंपल या इनकम्प्लीट मेटामोसिस भी कह देते हैं इसमें निम्फ या इमेच्योर इंसेक्ट्स अडल्ट के साथ रिजेंबल करेंगे फॉर्म में बट दे आर डिफरेंट इन देयर साइज इन देयर ईटिंग हैबिट्स इन देयर बॉडी प्रोपोर्शन एंड ऑल्सो इन द कलर पैटर्न सो वी एक्सप्लेन दिस फ्रॉम दिस डायग्राम This is an example of uh, adult grasshopper. The adult grasshopper will lay eggs, egg will develop into nymph, nymph will develop again into. So, this four stages life cycle in which changes are taking place half this is called hemimetabolous metamorphosis. Some insect orders, ordonates, they will also have this hemimetabolous metamorphosis so whatever the metamorphosis is we can say that in all insect orders metamorphosis takes place whether it is hemimetabolous ametabolous metamorphosis ke you jo hai insect ka life cycle complete nahi even though it is different in different orders and in different species